हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपका? चलिए फिर, आपको पता है ये हमारा चल रहा है हरियाणा जीके और क्विज। ये मेनली एचसीएस के लिए चल रहा है, बट इसमें अभी हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। एक एक करके सारी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी इसके अंदर हम देख रहे हैं। साथ साथ में हम क्विज भी लेते हैं, 10 क्वेश्चन लेते हैं जो ऑलरेडी हरियाणा के जो भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, तहसीलदार का एग्जाम हो, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ताकि देखिए क्वेश्चंस वही रिपीटेड रहते हैं काफी। तो अगर वो क्वेश्चन भी आप हम प्रिपेयर कर लेंगे सबसे पहले, तो हमें काफी नॉलेज मिल जाएगी। और उसके बाद हम माइन्यूट डिटेल भी करेंगे, यानी कि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। आप बस साथ लगे रहिए, आप सिर्फ आप देखते रहिए वीडियो को, आप कहीं भी आपको कोई भी माइन्यूट डिटेल भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक डिटेल हमें करनी है याद। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हम करने वाले हैं, आज भिवानी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भिवानी के लोकेशन में दिखा देता हूँ। देखिए ये भिवानी है, आपको पता ही होगा, लोकेशन तो मुझे बार बार दिखाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ ताकि आपको दिमाग में रट जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ठीक है, एक बार मैप देख के याद करने की कोशिश कीजिए करिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। हो सकता है 2-4 डिस्ट्रिक्ट आप मिस कर रहे हो, जो कभी कभी होता है कि नहीं समझ आ रही है, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको दिखाता रहूंगा, आपको मैं याद करा के ही रहूंगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी। तो ये देखिए, ये हमारी भिवानी है, ये जो रेड में दिखाई दे रही है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। इसके नीचे जाएंगे तो ये चरखी दादरी, ऐसे रिलेट कीजिए कि इसके नीचे कौन सी है, ऊपर कौन सी है, उससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले जो चरखी दादरी था वो भिवानी का ही पार्ट था, अगर आपको पता हो तो। और उसके बाद जो भिवानी बना है वो 22nd डिस्ट्रिक्ट बनी है हरियाणा की, सॉरी चरखी दादरी। और वो किससे काट के बनी है? भिवानी से। तो ये चरखी दादरी यहाँ पे है और ये 22वां डिस्ट्रिक्ट बना है, उससे पहले भिवानी का ही पार्ट था। जब ये भिवानी का पार्ट था तो भिवानी जो है सब यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा था डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब से चरखी दादरी अलग हो गया अब सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। तो हो सकता है कल को ये भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिरसा। ये याद रखिए, जो सबसे लेफ्ट साइड में यानी कि ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल और बता देता हूं। देखिए अगर बात करें भिवानी की, तो भिवानी को कब बनाया गया? 22 दिसंबर 1972 को बनाया गया। और ये इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी एरिया वाइज अगर बात करें, लेकिन अभी चरखी दादरी को सेपरेट कर दिया गया है, तो उसके बाद ये क्या हुआ है, अब अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा बन गया? सिरसा। ये फैक्ट हमने बता दिया, सिरसा इज नाउ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। इसके बाद एक और फैक्ट, थोड़ा माइन्यूट फैक्ट है, ये हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि देखिए कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, हमें माइन्यूट माइन्यूट डिटेल भी पता चलेगी तो हम याद करते जाएंगे उसको, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये बताते हैं, 1997 में एक सऊदी अरेबिया का एयरलाइंस था, यानी कि फ्लाइट 763। इतना तो नहीं पूछेंगे कौन सी फ्लाइट थी, ये हो सकता है ये पूछे कि 1997 में दो फ्लाइट आपस में, एक कजाकिस्तान की एयरलाइंस थी फ्लाइट 91907 और एक ये सऊदी अरेबिया की फ्लाइट थी, ये कोलाइड हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? भिवानी के ऊपर। काफ़ी नीचे कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन जो 350 लोग एयरलाइंस के अंदर थे उनमें सभी की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है। एक तो ईयर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए 2000 से पहले की बात है ये, और सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान की थी, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे ये के ये ऊपर ये हुआ था, ये जो हादसा हुआ था, तो ये भिवानी के ऊपर हुआ था, भिवानी के जो एरिया है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो जो भिवानी है वो थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है पॉपुलेशन के नंबर में? फरीदाबाद, और फिर हिसार, और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? भिवानी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम सेंसस का भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, आप सिर्फ साथ बने रहिए, कुछ भी छोड़ेंगे नियम। ठीक है, अब देखिए भिवानी की अगर एक बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि ये बना बना कैसे था, ये बोलते हैं कि एक नीम सिंह करके राजपूत जो थे, एक राजपूत थे राजा, तो उनकी वाइफ थो वाइफ का नाम था भनी, तो भनी जो है वो चेंज होकर भिवानी बन गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि और भी फैक्ट बहुत से हैं। कोई बोलते हैं कि एक माता का मंदिर है उस वजह से इसका नाम हुआ, तो ये एक फैक्ट है जो हम याद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया आपको। देखिए भिवानी की बात करें तो इसको लैंड ऑफ वॉर हीरोज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नौजवान लोग हैं वो काफ़ी लोग भर्ती होते हैं, कहाँ पे? डिफेंस, डिफेंस के अंदर जाते हैं, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ वॉर हीरोज भी बोलते हैं हरियाणा का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये एक और बात की जाए तो भिवानी को बॉक्सिंग ऑफ क्यूबा, लिटिल क्यूबा, मिनी क्यूबा, ये तीनों नाम इसको बोले जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे मिनी को क्यूबा पूछ ले, लिटिल क्यूबा पूछ ले, या बॉक्सिंग ऑफ क्यूबा पूछ ले, कि किसको कहा जाता है,
तो भिवानी को मत जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बॉक्सिंग के अंदर बहुत से स्टार भिवानी भिवानी ने दिए हैं। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, चाहे उसमें विजेंदर सिंह हो या और भी लोग हो, तो जो फेमस जो बॉक्सिंग के जो भी स्टार निकल के आते हैं देश के अंदर, वो भिवानी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रेज़ है लोगों को बॉक्सिंग का, तो इसलिए इसको लिटिल क्यूबा, मिनी क्यूबा और बॉक्सिंग का क्यूबा कहा जाता है। इसके बाद एक और फैक्ट का बात करें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSE जो 1969 में बना था, वो भी कहां पे है? भिवानी के अंदर है। तो 5-6 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कि पॉपुलेशन की बात करें तो थर्ड नंबर पे है। एक एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे, 2 एयरक्राफ्ट कोलाइड हुए थे, इसको लैंड ऑफ वॉर हीरो भी कहते हैं, बॉक्सिंग ऑफ क्यूबा, क्योंकि बॉक्सर बहुत निकलते हैं यहाँ से। और जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है HBSE, इसका भी सेंटर यहीं पर है, यहीं से पूरा एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं हरियाणा के अंदर। देखिए अगर और बात करें तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बन रही है, बन ही चुकी है वो, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंसीलाल से रिलेटेड। अगर हम और इंस्टीट्यूट की बात करें तो भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको बिट्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ITS, ये भी भिवानी के अंदर है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये भी भिवानी के अंदर है। ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक बात करें, एक थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। भिवानी को देखिए, काफी टेम्पल है भिवानी के अंदर, तो इसलिए इसको काशी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको छोटा काशी बोलते हैं, छोटी काशी। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट है जो यानी कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि नेट पे आपको छोटी काशी भिवानी को भी बोलते हैं और छोटी काशी कैथल को भी बोलते हैं, तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो अगर मुझे क्वेश्चन कहीं मिलेगा कि हरियाणा के किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो वहाँ से हरियाणा यानी कि PCS जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या आंसर मांगता है, वो हम उसी हिसाब से इसको याद करेंगे। लेकिन आज मैंने ऑलरेडी भिवानी के कोई हमारे ऑफिसर हैं, उनसे मैंने बात करी थी, वो बोल रहे थे छोटा काशी बोलते हैं, कुछ साइट्स पे बोला हुआ है कि काशी ऑफ हरियाणा बोला जाता है और छोटी काशी कैथल को बोला जाता है, क्योंकि कैथल के अंदर कुछ ऐसा है कि मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले टाइम में, इस वजह से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी के लिए याद रखो, आप छोटी काशी भिवानी को नहीं कैथल को ही बोला जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि आपको समझानी थी बात मुझे। ये बात करें कि मोस्ट फेमस टेम्पल और कौन सा है, एक ये जोगी वाला टेम्पल है जो शिवा लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। स्टार टेम्पल भी है, यानी कि स्टार की पोजिशन में स्टार यानी कि टेम्पल बना हुआ है, जिसका आर्किटेक्चर स्टार की शेप में है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ प्री जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी कुछ माइंस मिली है, स्मेल्टिंग वगैरह होती थी, हाउसेज मिले हैं, कहां पे मिले? तोशम हिल है, वहां पे मिले। तोशम हिल रेंज कहां पे? ये भी ध्यान रखना आपको, भिवानी के अंदर है तोशम हिल रेंज। इसके बाद देखिए नॉन पर्सनैलिटी कौन कौन सी है भिवानी की। देखिए बंसीलाल आपको सभी को पता है, सीएम भी रहे हैं, और इनको आयरन मैन लौह पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का। तो किसको कहा जाता है? लौह पुरुष, बंसीलाल को। और कौन है यहां से रिलेट करता है? सुशील कुमार हो गए कुश्ती में जो रहते हैं, उसके बाद विजेंद्र कुमार है, अरविंद केजरीवाल फेमस पर्सनैलिटी, ये भी भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। भिवानी की अगर एक और बात करें तो MK हॉस्पिटल है यहाँ पे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है भिवानी के अंदर, MK हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, राइट। ये एक फैक्ट आपको और याद रखना है। ठीक है, 5-7 चीजें जो हमने याद रख ली, इसके अलावा शायद और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सी जगह आपको पढ़ाया जाएगा कितनी पॉपुलेशन है, कितना सेक्स रेशियो है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की याद नहीं कर सकते हैं। जब हम सेंसस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, नंबर 1-2 कौन है और नंबर 3 पे कौन है। नंबर 1-2 और हम पढ़ चुके हैं, पहला फरीदाबाद, हिसार और थर्ड पे भिवानी। लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है, लीस्ट जो लिटरेसी रेट है वो किसका है, ज्यादा किसका है, तो लीस्ट और मैक्सिमम को ही याद करेंगे, ज्यादा हम कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इनके आंसर भी मैं बताता हूँ। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है कि कहाँ पे है, देखिए ये किस सिटी में है, क्वेश्चन ये है और ये है रोहतक के अंदर, ठीक है, IIM रोहतक, ये आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट ये बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, शायद 2 ही सेशन इसके चले हैं अभी तक, तो आपको याद रखना है IIM कहाँ पे है हरियाणा के अंदर, किस सिटी के अंदर, रोहतक के अंदर IIM है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेट्रो सबसे पहले किस सिटी में स्टार्ट हुई थी, तो ये आप मेट्रो देख के बता ही सकते हैं, येलो लाइन यानी कि गुड़गांव में सबसे पहले, अभी तो पता है फरीदाबाद तक मेट्रो पहुंच गई है, लेकिन गुरुग्राम या जिसको गुड़गांव बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुई थी हरियाणा की बात करें तो हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को छोटी काशी बोलते हैं, कुछ लोग कैथल बता रहे हैं, कैथल का मैं रीजन बताता हूँ, ये बोलते हैं कि नव
ग्रह कुंड यानी कि नौ कुंड है, ये कुंड देख रहे हैं आप इस तरह के नौ कुंड है, इसलिए कैथल को बोला जाता है छोटी काशी। तो आपको यही फैक्ट अभी के लिए याद रखना है, अगर किस चीज में रेक्टिफिकेशन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। छोटी काशी कैथल याद रखना है, और काशी ऑफ हरियाणा, अगर काशी ऑफ हरियाणा की बात करें तो वो कौन कौन है, वो है भिवानी। ठीक है, ये दो फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए नवग्रह कुंड ये मैं बता ही दिया ऑलरेडी, एक्चुअली क्वेश्चन मैं बना चुका था, इसलिए नवग्रह कुंड कहाँ पे है, कैथल के अंदर है, और ये किस लिए इसको बोला जाता है, नो कुंड है, कुंड यानी समझते हैं जो पानी के कुंड होते हैं, तो ये नो कुंड है, इस वजह से नवग्रह कुंड इसलिए कहाँ पे, कैथल के, इसलिए इसको छोटी काशी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच है, महाराजा अग्रसेन कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और ये मैं आपको बताऊंगा, नहीं आपको ये कमेंट सेक्शन में देना है कि महाराजा जो अग्रसेन है वो कहाँ से बिलोंग करते थे। मैं आंसर बता देता हूँ, अग्रोहा। अब आपको बताना है अग्रोहा कहाँ पे है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अग्रोहा, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क है, ये समझ लीजिए। तो महाराजा अग्रसेन वहां से बिलोंग करते थे और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सभी क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो 90% क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में हरियाणा के, राइट। तो ये याद रखना है, अग्रोहा से महाराजा अग्रसेन बिलोंग करते थे, ए फॉर अग्रसेन, ए फॉर अग्रोहा, इस तरह आप रिलेट करिए। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको कैसे याद करें, देखिए ये चीज भी बतानी जरूरी है कैसे याद करें। सपोज कीजिए आज भिवानी से मैंने आपको पढ़ाया और भिवानी से आप हरियाणा से रिलेट करते, तो आप भिवानी का कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा जो भिवानी से बिलोंग करता होगा, तो आप सारे फैक्ट्स ना उससे कनेक्ट कर लीजिए। एक या दो बंदे को भिवानी से जानते हैं, भिवानी आप कभी विजिट किए, आपने एक दो चीजें वहां की याद है, तो हर फैक्ट को उनसे रिलेट कर लीजिए किसी ना किसी तरह, तो वो फैक्ट आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे ही आपको याद आएगा, अरे ये तो महाराजा अग्रसेन की बात हो रही है, अग्रसेन यानी कि मैंने कैसे रिलेट किया था, ये तो अग्रोहा से किया था, ए फॉर अग्रोहा, या कोई किसी इंसान से। सपोज कीजिए मैं देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको याद करने का, नवग्रह कुंड है, ठीक है, या फिर कोई और फैक्ट ले लीजिए आप जो मैं आपको बताता हूं। देखिए याद करना भी जरूरत है, ऐसे ही हम भागते रहेंगे तो याद नहीं होगा आपको, ठीक है। सपोज कीजिए एक लैंड ऑफ वॉर हीरो से रिलेटेड है, आपका कोई भिवानी का दोस्त है, ठीक है, आपको भिवानी का दोस्त है या कोई भी आपने भिवानी का कोई भी इंसान जो आपको याद है, आप उसको कैसे याद कीजिए, यार उसकी फिजिक जो है बहुत अच्छी है, वो तो आर्मी में जा सकता था, वो तो कोई भी वॉर लड़ सकता था, पाकिस्तान खिलाफ कोई वॉर होता वो लड़ सकता था, यानी कि उसकी बॉडी फिजिक ऐसी है। उस इंसान को माइंड में रखिए और ये फैक्ट को उससे रिलेट कीजिए, उसके बाद जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप रिलेट करेंगे किससे बात की, अच्छा मैंने उसी इंसान से की थी, वो कहाँ का था, भिवानी का था, तो आपको ये चीजें रिलेट हो जाएंगी। देखिए कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ऐसे याद करनी है चीजें जिससे बहुत जल्दी याद भी हो जाए, और आप नॉर्मल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी है ही नहीं, बट कभी कभी होता है कि नहीं याद कर पाते, तो इसलिए इस तरह रिलेट कर सकते हैं आप। अब देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है कि जो नारनौल है वो हेडक्वार्टर है, वो किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, तो आपको पता है नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट का है, बताइए मुझे, महेंद्रगढ़ का, ठीक है, महेंद्रगढ़ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा महेंद्रगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नारनौल के अंदर, क्योंकि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शायद पूछा गया है ये, कि बाबा रामदेव, ठीक है, बाबा रामदेव कहाँ से है, ये भी महेंद्रगढ़ से है, तो ये इनके गुरु कौन थे, ठीक है, ये देखिए ये इनके गुरु है और बहुत रेयर इनकी कभी फोटो देखने को मिली है, और इनका नाम है आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव, ठीक है, आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव, ठीक है, आचार्य बलदेव इनका नाम है, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके, रामदेव के गुरु का क्या नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट ये है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चला गया, ये है कि जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है, मांझी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है, ठीक है। कुछ जगह आपको ये फैक्ट मिलेगा कि ये है किसके अंदर, मैं बताता हूँ कैथल के अंदर, ऐसा कई जगह आपको फैक्ट मिलेगा, लेकिन जितना मैंने सर्च किया है और जितना मुझे याद आ रहा है ये अंबाला के अंदर है, क्योंकि शायद मैंने विजिट भी किया था यहाँ पे मांझी साहिब गुरुद्वारा के अंदर, बट आप पता कीजिए, ये मुझे जितना फैक्ट मिला इसी के लिए अंबाला है, बट कुछ जगह पे मैंने एक दो क्वेश्चन देखे तो वहाँ कैथल लिखा हुआ था, तो जो अगर अंबाला का है जिसने ये देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखिए एक दो चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग है, जो इंसान वहाँ का रहने वाला है वो उसको अच्छे से बता सकता है, तो मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर आपको अंबाला है, अगर ये कुछ इसमें कन्फ्यूजन तो आप मुझे बताइए। एक दो चीज़ें जो कन्फ्यूजन होंगी मैं बताता रहूँगा, देखिए मैं भी कोई पूरे हरियाणा घुमा नहीं हूँ, मैं भी अपनी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और गुड़गांव तक ही सीमित रहा हूँ, तो जितनी नॉलेज मुझे पता चल रही है इधर उधर से, जितनी बुकों से मैं पता कर रहा हूँ वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर कुछ माइनर चेंजेस होते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए विच सिटी इज नोन एज ब्रास यूटेंसिल मार्केट, यानी कि जो ब्रास यूटेंसिल है, ठीक है, आप देखिए ये आपको बताना है, ब्रास मतलब पीतल, तो पीतल के लिए कौन सी सिटी को जाना जाता है, तो ये तो रेवाड़ी के अंदर है, ब्रास मार्केट भी है, आप कभी आएंगे तो देखेंगे, तो पीतल जो होता है उसको ब्रास बोलते हैं, और ब्रास यूटेंसिल के लिए, अगर इसको एक दूसरे उसमें कहे कि पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कौन सा है वो रेवाड़ी, ये आपको याद रखना है, ये भी फैक्टर रेवाड़ी का है, मुझे तो पता ही है, मैं रेवाड़ी का रहने वाला, तो मुझे आइडिया है, आपको अगर कहीं और आप डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं और इसका आइडिया आपको नहीं है, तो ये याद रखना है, ब्रास कहाँ से बन, कहाँ पे ज़्यादा बनता है या बिकता है, ये है रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए नाहर सिंह स्टेडियम, इसको पहले मोहर सिंह स्टेडियम भी बोलते थे, अब ये नाहर सिंह स्टेडियम है, ये फोटो है, और मैं आपको बताता हूँ नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर मैंने मैच भी खेला है, रेवाड़ी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैच था, तो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, तो आप कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के मैचेज थे, 2 डेज मैचेज होते थे हमारे, तो मैंने खेले हुए हैं नाहर सिंह स्टेडियम में, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर, और यहाँ पे आपको पता है मैचेस भी होते हैं, रणजी वनजी के मैचेस भी होते हैं फरीदाबाद के अंदर, तो ये आपको जाना है नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए 10 क्वेश्चन हो गए, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं तो देखिए मैं पढ़ता रहूँगा, मुझे तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, तो आप अपना बेनिफिट सिर्फ आप तक मत रखिए, आप लोगों को बताइए, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके भी अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ कोई हमारे लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसमें इतना ही आज की वीडियो में, कल फिर मिलेंगे आपको नए एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, नए कुछ फैक्ट्स के साथ और नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, राइट, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।